गाइस वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डी फैशन प्रो। एट आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक फाउंडेशन का फुल ऑफ रिव्यू के ये कैसा है, लाइक प्रोडक्ट कैसे आपके फेस पे वर्क करता है। फुल वीडियो रिव्यू वीडियो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो या विदाउट एनी अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। बट वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना एंड आपके दोस्त के साथ भी शेयर जरूर करना। सो या आउटर पैकेजिंग कुछ इस टाइप के बॉक्स में आती है, लाइक काफ़ी अच्छा बॉक्स की पैकेजिंग है इसकी। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे ओपन होता है। यहाँ पे पहले ही क्लेम कर रखा है कि ये ऑयल फ्री है, फुल कवरेज है, मैट फिनिश है, स्टूडियो फिनिश है एंड पैराबेन फ्री है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कोई भी मेकअप प्रोडक्ट में पैराबेन नहीं होना चाहिए, ये आपकी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता। सो या ये इस फाउंडेशन की खास बात है कि इसमें पैराबिन बिल्कुल भी नहीं है। फाउंडेशन का जो नेम है वो है स्टे मैट लिक्विड फाउंडेशन। एकदम छोटू सा 30 ml का ट्यूब फाउंडेशन है एंड कुछ इस टाइप की इसकी यही डिटो इसके अंदर लिखा हुआ है ट्यूब पे। एंड इसमें जो 06 सॉफ्ट 10 मेरा शेड है एंड ये काफ़ी अच्छा ढक्कन दे रखा है इन्होंने, तो कुछ इस टाइप की ट्यूब में ये आता है। एंड कुछ इस टाइप येलो टोन का फाउंडेशन है। अगर आपकी स्किन मेरी स्किन टाइप की येलो में, तो आप इसे ट्राई कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है, लिक्विड सा एंड काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अभी मैंने अपने फेस पे यही फाउंडेशन अप्लाई कर रखा है, लाइक फिंगर से भी कितना अच्छी फिनिशिंग आ रही है। सो मैं इसे आपको ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड करके दिखा देती हूँ। काफ़ी अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है, एकदम फुल वाली कवरेज नहीं देता बट आपको एक मीडियम सी कवरेज दे देगा, आपके छोटे मोटे जो दाग धब्बे से हाइड कर देगा। जैसे कि आप देख ही सकते हो, मैंने कुछ भी ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ नहीं करा है, हल्का सा फाउंडेशन की वन लेयर ही लगाई है एंड एक काफ़ी अच्छा सा मुझे इसने बेस क्रिएट कर दिया है। ये काफ़ी अच्छा सा ढक दिया मेरे फेस पे, काफ़ी अब पिंपल्स के दाने सब है, इसने अच्छी तरीके से हाइड कर दिया है सबको एंड अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। इसकी कवरेज की बात करूँ तो ये फुल कवरेज फाउंडेशन है। फिनिशिंग इसकी काफ़ी अच्छी है, थोड़ा सा डूई सा लगता है एंड आप मेरे फेस पे ग्लो देख ही सकते हो। अभी तो मैंने हाइलाइटर लगा रखा है बट ये काफ़ी डूई सा भी थोड़ा सा डूई लगता है आपके फेस पे बट केकी नहीं लगता एंड अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। यू कैन सी बिल्कुल भी केकी नहीं लगेगा। एंड इसकी प्राइस की बात करूँ तो 225 रुपये में आपको मिल जाएगा एंड ऑनलाइन तो इससे भी ज़्यादा सस्ते में मिल जाएगा। मैंने इसको एक लोकल स्टोर से ख़रीदा था एंड आपको ये सेल में भी कभी मिल जाएगा कि नहीं तो भी आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हो। मेरी भी ड्राई स्किन है तो मैंने क्या करा है, एक फुल आप कोई भी सा अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लो जो कि आप रेगुलर यूज़ करते हो, आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर दो एंड देन इसे ही यूज़ करो, बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। अगर आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, कोई भी स्किन हो, आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हो। ड्राई स्किन के लिए आप अच्छे से मॉइस्चराइज लगा देना एंड गो। तो ये काफ़ी अच्छा सा सन्स की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रीमी है, लाइक बटर की तरह ब्लेंड हो जाता है आपके हैंड पे या फिर फेस पे। अभी मैंने हैंड पे लगाया इसलिए हैंड बोल रही हूँ। अगर इसकी फ्रेगनेंस की बात करें तो इसकी फ्रेगनेंस काफ़ी लिटल बिटल आ रही है, लाइक मतलब काफ़ी हल्की सी इसकी फ्रेगनेंस है एंड लाइक सर दर्द करने वाली फ्रेगनेंस बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल लिटल बिटल सी फ्रेगनेंस है। आप ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर दोनों की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो बट अगर मेरा सजेशन यूज़ करो तो आप ब्यूटी ब्लेंडर से, ये काफ़ी अच्छे से आपको एक कवरेज देगी फाउंडेशन। ब्यूटी ब्लेंडर लाइक ब्रश के कंपैरिजन से ब्यूटी ब्लेंडर आपको ज़्यादा अच्छे से कवरेज देगा, काफ़ी अच्छे से सेट करेगा आपके फाउंडेशन को। तो इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ही ब्लेंड कीजिए। ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से काफ़ी काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो गया फाउंडेशन, लाइक अधिकतर मैट फाउंडेशन ब्लेंड नहीं होते, तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो आप ये ले सकते हो, ये आपको 200 रुपये में मिल जाएगा, लाइक अभी 210 में, मैंने 225 में ख़रीदा है बट आपको 210 में भी मिल जाएगा ऑनलाइन पे। तो आप फ्लिपकार्ट पे, पर्पल पे, कहीं पे भी देख सकते हो सेल में, अभी तो काफ़ी हाई चल रही है तो आप ये फाउंडेशन खरीद सकते हो।
काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, काफ़ी अच्छे से मैट फिनिश देता है आपके फेस को। कवरेज की बात करें तो कवरेज भी काफ़ी अच्छी है, मीडियम कवरेज है इसकी, तो आप इसे यूज़ कर सकते हो। ड्राई स्किन वाले के लिए मॉइस्चराइजर कंपलसरी है लगाना। सो या यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, एंड आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिक केयर एंड बाय बाय।